राजस्थान में सियासी संकट दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग अब और भी गहरी हो चुकी है। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है अपनी ही सरकार के खिलाफ और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार पर भी वह हमलावर है। सचिन पायलट को लेकर बार बार यही अटकलें तेज हो रही है कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन पायलट ने ये बात खुद कही है कि वह बीजेपी की तरफ रुख करना नहीं चाहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अटकलें तो तेज हैं ही और दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी कुछ अहम रणनीतियां बना रही है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से चुनौती देने जा रहे हैं सचिन पायलट को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक पीएम मोदी कई ऐसे दौरे कर चुके हैं। दूसरी ही तरफ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे भी देखने को मिले हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे और सीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर बार बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सुनने में आ रहा है। आखिरकार वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पायलट के गढ़ में पहुंचकर उन्हें एक बेहद बड़ी चुनौती देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अब राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। 31 मई को राजस्थान के अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी ने पीएम का भव्य स्वागत करने की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाल ही में कहा, उन्होंने जानकारी दी और पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आना तय है। हालांकि पीएम मोदी के निर्धारित दौरे की तैयारियां भी यहां पर चल रही हैं। तो अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब पीएम का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पहले ये चर्चा थी कि पीएम स्पीकर में सभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन सोमवार की देर रात प्रदेश भाजपा की तरफ से अजमेर भाजपा के नेताओं को पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि पीएम मोदी की अजमेर में सभा होगी और अजमेर में जयपुर रोड पर कायड सभा स्थल पर यह सभा होने जा रही है। 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना किया बीजेपी ने, अब इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कमान संभालने के लिए पीएम मोदी लगातार आगे हैं और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सियासी जंग के बीच यहां पर पीएम मोदी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट, लेकिन आपको याद दिला दें कि 11 से 15 मई जो उनकी जन संघर्ष यात्रा रही, उन्होंने अजमेर से यहां पर शुरुआत की थी और दावे ये तक किए गए हैं कि कहीं ना कहीं इस बार वह अजमेर से आगे किए जा सकते हैं। देखते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी की इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं सचिन पायलट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।